अरविंद केजरीवाल की ये नियत है कि जो भी बाहर से प्रवासी आया उसको हम भगा देंगे दिल्ली से, तो मैं समझता हूँ वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूँ निवेदिता। दिल्ली चुनाव करीब आते ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी फुल फॉर्म में आ गई है। एक तरफ केजरीवाल सरकार वोटर्स पर डोरे डालने के लिए धड़ाधड़ लोक लुभावन योजनाओं का ऐलान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी सरकार की खामियां गिनाने में जुटी हुई है। बुधवार को भी केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के किरायेदारों के लिए मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना का ऐलान किया, लेकिन सीएम केजरीवाल इस ऐलान की वजह से कम अपने एनआरसी ज्ञान को लेकर ज्यादा सुर्खियों में छाए रहे। दरअसल सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ऐलान किया कि किरायेदारों को भी अब 200 यूनिट बिजली पर छूट मिलेगी। इस ऐलान के बाद वो जाते जाते नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजनशिप यानी एनआरसी पर भी ज्ञान दे गए कि अगर राजधानी दिल्ली में एनआरसी लागू हुई तो सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़ना पड़ जाएगा। मनोज तिवारी ने कहा है कि उसमें घुसपैठ की जिम्मेदारी एनआरसी लागू होना चाहिए। अगर एनआरसी दिल्ली में लागू हो गया सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। अगर एनआरसी दिल्ली में लागू हो गया सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। सीधे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पर हमला बोलना केजरीवाल को महंगा पड़ गया। बीजेपी ने केजरीवाल को एनआरसी का असली मतलब समझाने के साथ ही उनके जन्म स्थान को लेकर भी हमला बोलना शुरू कर दिया। सबसे पहले बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि क्या वो दूसरे राज्यों से आए लोगों को दिल्ली से भगाना चाहते हैं। दो तीन सवाल उठा दिया है अरविंद केजरीवाल जी ने। एक तो एनआरसी के सवाल पे अगर वो कहते हैं मनोज तिवारी को छोड़ना चाहिए पहले, तो हम पूछना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी आप ये कहना चाहते हो कि पूर्वांचल से आया हुआ व्यक्ति इलीगल घुसपैठिया है, विदेशी है, दिल्ली में दिल्ली से भगाएंगे उसको? प्रवासी लोग जो उत्तरांचल से आए होंगे, हिमाचल से आए होंगे, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश से, हरियाणा, पंजाब से, उनको आप विदेशी समझते हो, दिल्ली से उनको भगाओगे? आप भी तो उन्हीं में से एक हो। तो अगर अरविंद केजरीवाल की ये नियत है कि जो भी बाहर से प्रवासी आया उसको हम भगा देंगे दिल्ली से, तो मैं समझता हूँ वो मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। नहीं तो दूसरा सवाल उठता है कि एक आईआरएस ऑफिसर को ये नहीं पता कि एनआरसी क्या होती है। एनआरसी में जो भारत के बाहर का कोई व्यक्ति जो चोरी से सीमा पार करके इलीगल ढंग से घुसपैठ करके कहीं ना कहीं फैल करके बैठा हुआ है, उनको चिन्हित करने और उनको वापस उनके देश भेजने की प्रक्रिया एनआरसी है। अरविंद केजरीवाल प्रवासी लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को अगर विदेशी समझते हैं, तो मैं समझता हूं एक राष्ट्र एक संविधान इसके वो शत्रु हैं, जिसका वो पहले भी एग्जाम्पल दे चुके हैं। रिपब्लिक डे परेड का विरोध करके, भारत तेरे टुकड़े होने का समर्थन करके, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी इसका समर्थन करके, तो अब दिल्ली विचार करेगी अरविंद केजरीवाल पे? आज उन्होंने जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग उनको जवाब देंगे और ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद पे बने रहने का अधिकार नैतिक रूप से नहीं। मनोज तिवारी के बाद पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी केजरीवाल को हरियाणा का बताकर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, अधूरा ज्ञान करे परेशान, जानकारी अधूरी हो तो वो बेवकूफी भरी बातें कर फजीहत नहीं करानी चाहिए। शिक्षा की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल को इस बात की जानकारी नहीं है कि एनआरसी देश से बाहर के लोगों पर लागू होता है। इनके बयान के हिसाब से तो इन्हें दिल्ली भी छोड़ देनी पड़ेगी। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने भी ट्वीट कर कहा, वोट बैंक की घटिया राजनीति का सबूत देते अरविंद केजरीवाल अपने ही देश के लोगों को बाहर का बता रहे हैं। इनका भूगोल कमजोर है और सत्ता का लोभ पुरजोर है। इन्हें याद दिला दें कि मनोज तिवारी भारतीय हैं, बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठिए नहीं। कभी केजरीवाल के साथ ही रहे और बीजेपी में शामिल होने वाले कपिल मिश्रा ने भी ट्वीट कर कहा, एनआरसी मतलब नेशनल सिटीजन रजिस्टर, ये कोई दिल्ली सिटीजन रजिस्टर नहीं है कि भारत के नागरिकों को बाहर जाना पड़े। दिल्ली में बैठे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने के लिए ऐसी अनपढ़ों जैसी बात कर रहे हैं केजरीवाल। जो देशद्रोहियों के साथ हैं वो एनआरसी के खिलाफ हैं। कपिल मिश्रा ने एक और ट्वीट करते हुए कहा, एनआरसी पर केजरीवाल का बयान शर्मनाक, यूपी और बिहार के लोगों को देश के बाहर का बताना, यूपी बिहार के लोगों की तुलना घुसपैठियों से करना बहुत घटिया हरकत, बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बचाने की साजिश कर रहे हैं केजरीवाल। एनआरसी के मुद्दे पे मुख्यमंत्री केजरीवाल का बहुत ही बेहुदा बयान आया है। उनका ये कहना कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू होगा तो यूपी और बिहार के लोगों को दिल्ली छोड़ के जाना होगा, ये बहुत बेहुदा है और बहुत ही शर्मनाक किस्म का बयान है।
ऐसा लगता है कि जैसे एनआरकी वालों को एनआरसी समझ नहीं आ रहा है। एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल। ये कोई दिल्ली रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स नहीं है कि दिल्ली से बाहर से जो भारत के लोग आए हैं, भारतवासी आए हैं, उनको दिल्ली छोड़ के जाना पड़े। क्यों ऐसे अनपढ़ों जैसी बातें कर रहे हैं केजरीवाल? क्योंकि वो बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को बचाना चाहते हैं। बांग्लादेशियों को और रोहिंग्याओं को अपना वोट बैंक बना के दिल्ली की राजनीति करना चाहते हैं, घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। इसलिए यूपी के और बिहार के लोगों को ऐसे बता रहे जैसे कोई देश के बाहर के लोग हों। ये कह रहे हैं कि यूपी बिहार वालों को दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये बहुत ही शर्मनाक है, बेहुदा है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो देशद्रोहियों के साथ है वो ही एनआरसी के खिलाफ है। क्या है एनआरसी? सीएम केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अगर एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर सिटीजनशिप लागू होता है तो सबसे पहले मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़ना पड़ जाएगा। उनके इस बयान के बाद से ही दिल्ली में एनआरसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। वैसे आपको बता दें कि एनआरसी किसी भारतीय नागरिक पर लागू नहीं होता है। एनआरसी प्रक्रिया के तहत अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को चिन्हित किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी इस वक्त एनआरसी प्रक्रिया पर चल रही है। केंद्र की तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और राज्य के नेताओं के बीच 1985 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे असम समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके मुताबिक विदेशी लोगों की पहचान के लिए 24 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट तय किया गया। इसकी वजह यह थी कि इसी दिन बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम शुरू हुआ था। हालांकि देश में डॉक्यूमेंटेशन की प्रणाली में खामी के चलते ऐसे तमाम लोग हैं जो जरूरी दस्तावेज से वंचित हैं।